सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान जारी है। प्रदेश में अब तक 14,158 मैट्रिक टन धान खरीदी हुई है। धान के एवज में किसानों को 281.06 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। इस साल 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। धान खरीदी के लिए इस साल 25,93,000 किसानों का पंजीयन हुआ है। इस साल 2 लाख से ज्यादा नए किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। धान की खेती का रकबा बढ़कर 31.13 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश में 31 जनवरी तक धान खरीदी चलेगी। दूसरे दिन किसानों को 5,724 टोकन जारी किए गए थे। टोकन तुनहर हाथ ऐप से 356 टोकन जारी किए गए थे। तो प्रदेश में 31 जनवरी तक ये धान खरीदी चलेगी। इस बार धान खरीदी की शुरुआत जल्दी हुई, जिसकी वजह से किसानों को भी सीधे तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों ने बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन करवाया। 2 लाख से ज्यादा नए किसान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। अब बात रायपुर की करेंगे, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार को घेरा और कहा कि राज्य सरकार के पास 164 नए धान खरीदी केंद्र खोलने का प्रस्ताव है जो लंबित है। नारायण चंदेल ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इन धान खरीदी केंद्रों को स्वीकृति देकर किसानों की मांग पूरी करे। बता दें कि राज्य में 1 नवम्बर से धान खरीदी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 नवम्बर से धान की खरीदी शुरू हो गई है। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस सरकार के पास में, भूपेश सरकार के पास में, पूरे प्रदेश के किसानों के मांग पर 164 नए धान खरीदी केंद्र खोलने का प्रस्ताव अभी भी शासन के पास में लंबित है और शासन की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। किसानों की यह मांग है कि तत्काल जो प्रस्तावित 164 धान खरीदी केंद्र सरकार के पास लंबित है, उन्हें सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो, ताकि हमारे किसान भाई सुविधाजनक ढंग से धान वहां जाकर के बेच सके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश लगातार बने हुए हैं। अंकुश, एक तरफ जहां 1 तारीख से धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा, तो दूसरी तरफ 164 जो नए धान खरीदी केंद्र हैं वो अभी तक उसे स्वीकृति नहीं दी गई है। कैसे देखें इसे, और 164 नए धान खरीदी केंद्र की स्वीकृति ना मिलने से किसानों के लिए कितनी बड़ी परेशानी? देखिए, परेशानियां तो हैं, क्योंकि जिस जगह पर नेता प्रतिपक्ष नए धान खरीदी केंद्रों की मांग कर रहे हैं या ये मांग पहले से करते रहे हैं, जिसका प्रस्ताव सरकार को पहले से ही भेजा गया और वो प्रस्ताव अभी तक मंजूर नहीं हुआ, तो किसानों को अपनी धान जो है वो दूर तक, यानी उनका जो खेत है या उनका जो घर है वहाँ से काफ़ी दूर तक उनको खरीदी केंद्र तक जाना पड़ता है, जिससे उनके माल भाड़े में भी बढ़ोतरी होती है और जो परिवहन है उसमें दिक्कतों के कारण समय का भी नुकसान होता है। अब इन सब मांगों को लेकर विपक्ष अपनी मांग जो है उस पर अड़ा हुआ है और 164 नए धान खरीदी केंद्रों को खोले जाने की मांग कर रहा है। चूंकि 1 नवंबर से धान खरीदी हुई है, अब विपक्ष की अपनी मांग है और दूसरी तरफ सरकार की तैयारियों की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर में 1 नवंबर से धान खरीदी की भव्य शुरुआत हो चुकी है और भव्य शुरुआत के दिन ही हम देखें तो अभी तक 1400 से ज़्यादा मीट्रिक लाख टन की खरीदी की जा चुकी है और 2 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान की बात अभी तक यहाँ पर कही जा रही है। 2 दिनों में जिस तरीके से यह खरीदी हुई है उससे स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि तय समय से पहले ही जो लक्ष्य है सरकार का वो लगभग 110 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की कोशिश सरकार यहां पर कर रही है। यही कारण है कि लगातार समीक्षाएं चल रही हैं, लगातार तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है, लगातार खाद्य विभाग की अलग नज़र है, जिला प्रशासन की अलग नज़र है, प्रदेश सरकार अलग मॉनिटरिंग कर रही है, कृषि विभाग अलग मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये तैयारियाँ बताती हैं कि पिछले सालों में जो परेशानियाँ हुई हैं, चाहे वो किसानों को हो, चाहे वो सरकार को हो, चाहे वो परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे वो रखरखाव की व्यवस्था हो, चाहे वो उठाव की व्यवस्था हो, इन तमाम व्यवस्थाओं से अब शिक्षा ली गई है और उन शिक्षाओं से सीखा गया है कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। शुरुआती दौर में हमने देखा था, पिछले साल की ही अगर बात कर लें तो शुरुआत के 2-4 दिन तक धान खरीदी बड़ी बेहतर तरीके से चल रही थी, लेकिन 2-4 दिन बाद ही वारदाने की समस्या जो है वो एकदम से सामने आ गई थी। वारदाने की समस्या के चलते किसान तो परेशान हो ही रहे थे, सरकार को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी कि आखिर
हम धान कैसे खरीदे, लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण रूप से वारदाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं नजर आ रही है और किसान उसका फिर फायदा उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस हम आपके पास लौटेंगे। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान के बारे में हमने आपको बताया, बात करते हैं बेमित्रा की, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान नेता योगेश तिवारी ने धान तौलने के लिए इलेक्ट्रिक कांटे का इस्तेमाल की मांग की है। जिले में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से हो गई है, लेकिन सोसाइटियों में अभी भी धान की तौल मैनुअल कांटे से की जा रही है। इसी बात से नाराज किसान नेता योगेश तिवारी ने किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर धान खरीदी के दौरान किसानों के धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही तौल करने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं की गई। इस साल फिर उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक कांटे की कमी हो तो कुछ जगह वो खुद देने को भी तैयार हैं। लोग आए थे, किसानों की मांग को लेकर आए थे। पिछले 3 साल से लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है कि किसानों की धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक कांटा के माध्यम से होना चाहिए। चूंकि कांग्रेस सरकार है, बोलते हैं कि कांग्रेस के हित की बात करते हैं, लेकिन आज देखा जाए कि सबसे ज्यादा अगर अहित किसी का काम हो रहा है तो किसान का हो रहा है। तो आज हम लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात करके हम लोगों ने निवेदन किया है कि किसानों का जब सोसाइटी में धान खरीदी शुरू हो चुकी है 1 नवम्बर से, तो धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक कांटा से होना चाहिए।